नीमच जिले के जावद नगर का बाजार अघोषित दुकानें बंद रहने से पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। बस स्टैंड सहित पूरे बाजार में दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। दरअसल 7 वर्ष पूर्व हुए हनुमान जन्मोत्सव के दौरान पथराव के विरोध में वर्ग विशेष के त्योहारों पर जावद वासियों द्वारा हर बार दुकानदार स्वैच्छिक बंद रखी जाती है और बिना किसी आह्वान के अपना विरोध दर्ज कराया जाता है। इस पर प्रशासन द्वारा कई बार समझाइश दी गई दोनों पक्षों को, लेकिन अब तक इसका निराकरण नहीं निकला है। किसी आह्वान पर फिर बंद रहा जावद का बाजार। 7 साल पूर्व हुई घटना को अब तक नहीं भूले जावदवासी। वर्ग विशेष के त्योहारों पर जावद रहता है हर बार बंद। नीमच में अघोषित दुकानें बंद के चलते नीमच जिले के जावद नगर के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा है। बस स्टैंड सहित बाजारों के दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी है। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ईद त्यौहार के मद्देनज़र वाहन से भ्रमण कर सक्रियता दिखाई है। दरअसल ईद के अवसर पर बिना किसी आह्वान पर फिर बाजार बंद नजर आए हैं। ईद के पर्व के मौके पर बाजार व दुकानें बंद रहने से लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। चाय व नाश्ते के लिए भी लोग तरसते दिखाई दिए हैं। बाजार बंद रखने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब 3 अप्रैल 2015 को शुक्रवार के दिन बस स्टैंड जाने वाले मार्ग पर स्थित श्री परकोटा हनुमान मंदिर से हनुमान जी का जन्मोत्सव पर भव्य ढोल नगाड़ों और डीजे से विशाल शोभा यात्रा भक्तजनों द्वारा निकाली जा रही थी, जो जावद के प्रमुख मार्गों से होते हुए दोपहर लगभग 12 बजे के करीब अठाना दरवाजा मार्ग पर स्थित खुर्रा चौक पहुंची थी, जहां पर कुछ लोगों ने शोभा यात्रा के निकलने के दौरान उस पर पथराव कर दिया था। इस घटना के बाद से ही दो समुदाय के लोगों के बीच मतभेद की एक ऐसी दीवार खड़ी हुई है जिसे गिराने के सारे प्रयास प्रशासन द्वारा किए गए जो विफल दिखाई दिए, और हर बार समुदाय विशेष के त्योहारों पर दुकानें बंद रखने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। वहीं पथराव की हृदय विदारक घटना थी जिसे शायद बहुसंख्यक समुदाय आज तक नहीं भूल पा रहा है, और वर्ग विशेष के त्योहारों पर अपने आप बिना किसी आह्वान के मौन प्रदर्शन कर बंद रखता है, जिसे देख यही लगता है कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। वहीं बीते 3 अप्रैल 2015 के पश्चात अघोषित बंद का सिलसिला निरंतर अब भी जारी है। बंद से जिला प्रशासन सत्ते में आ जाता है। दूसरी ओर इस बंद को लेकर न तो कोई जिम्मेदार सामने आ रहा है और न ही समाज सेवियों ने इसमें कोई रुचि दिखाई है। जब इस मामले को लेकर SDM राजेंद्र सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जावद बंद को लेकर दोनों पक्षों को कई बार समझाइश दी गई है, मगर सहमति बन नहीं पाई है और आगे भी प्रयास किए जाएंगे। आज त्यौहार होने के चलते बाजार में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वहीं बंद की इस प्रथा को देखते हुए बाजार में दबी जुबान कुछ लोग यह कहते भी नजर आए हैं कि आखिरकार यह बंद कब तक ऐसे ही चलता रहेगा।